वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। किचन विद नौरीन में मैं हूं आपके साथ। और आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, सबको बहुत पसंद होती है और उसका नाम है रबड़ी। जी, हम घर में बनाएंगे आज रबड़ी को, और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनती है। बस थोड़े से पेशेंस रखने हैं इसके लिए और बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो उसको थम्स अप करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रबड़ी जो हम बना रहे हैं वो सिर्फ 2 इन्ग्रीडियंट्स के साथ मैं बनाऊँगी, और उसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। उसके अंदर ये मैंने ये मेजरिंग रख के भी दिखा दिया है, ये सिर्फ 3 टेबल स्पून मैंने शुगर ली है, नॉर्मल जो हमारी घर की होती है। और मैंने लिए हैं 5 कप दूध, ये 1.25 किलो के बराबर दूध है, नॉर्मल जो दूध होता है। बस टेट्रा पैक का दूध नहीं लेंगे, इसके लिए हम फ्रेश मिल्क लेंगे। तो इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और अभी इसको मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया है। अब मैं इसका फ्लेम ऑन करूँगी, ये मैंने रख दिया है, और इसका मैं चूल्हा कर दूँगी बिल्कुल हाई पे। और जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आएगा तो मैं दूध को इस तरीके से चलाती रहूँगी। आप कोशिश करिएगा, घर में बना रहे हैं तो नॉन स्टिक पतीली के अंदर या कढ़ाई के अंदर इसको बनाएं, ताकि ये नीचे लगे ना। तो बस इस तरीके से जब तक इसमें पूरा उबाल नहीं आएगा इसको मैं इस तरीके से चलाती रहूँगी, और उसके बाद मैं इसका फ्लेम लो करूँगी जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ, तकरीबन 45 मिनट में ये रबड़ी तैयार हो जाएगी, बहुत मज़े की, बिल्कुल बाजार जैसी। और ये जिनसे मैंने सीखी है, तो वो भी मशहूर हैदराबाद की जो रबड़ी है, मैंने उनसे सीखी है ये। तो इंशाल्लाह मैं उनकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। तो बस देखते रहिएगा मेरे चैनल को। ये देखें, इसको उबलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, और 5 मिनट तक मैंने इसके अंदर ये स्पैचुला मुस्तकिल चलाया है, हाथ बिल्कुल भी नहीं रोका। और 5 मिनट के बाद जब इस दूध के अंदर पूरा अच्छी तरीके से उबाल आ गया, तो उसके बाद मैंने अपने फ्लेम को कर दिया है लो पर। और अब देखें, जब मैंने इसको लो किया और नीचे से ये पक रहा है, और ऊपर इसके ये देखें एक लेयर सी आ रही है, बस इस लेयर को हमने इस तरीके से साइड पे करते जाना है। इस तरीके से करेंगे और चारों तरफ करते जाएंगे। एक दो दफा इस तरफ कर दी, और फिर जब दोबारा आएगी तो मैं इस तरफ करूंगी, और 2-3 मिनट के बाद जो है मैं इसको इसके अंदर इस तरह से बस ये चलाऊंगी स्पैचुला, ताकि नीचे कहीं लग ना जाए। बस ऐसे बहुत मजे की इंशाल्लाह बनेगी, आप देखिएगा सब कुछ आपके सामने। बहुत सारे लोग इसके अंदर खोया वगैरह डाल देते हैं, मिल्क पाउडर डाल देते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ चीनी और दूध से ही रबड़ी बनती है। बस ये है कि थोड़ा 1 घंटा टाइम लेगी ये बनने में। तो बस इस पे जिस तरीके से आती जाएगी मलाई, मैं साइड पे करती जाऊंगी और आपको दिखाती रहूंगी थोड़ी थोड़ी देर बाद। ये देखें, इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, और इसको मैंने जो है लो फ्लेम पर ही करी हुई है। देखें इसके ऊपर किस तरीके से मलाई की लेयर आ रही है, ये देखें इस तरीके से। अब मैं इसको इस तरह करूँगी और हाफ यहाँ पे कर दूंगी ऐसे, बस इस तरीके से इसको हल्के हाथ से मलाई को इस तरह पीछे करते जाएंगे इसको, ये देखें बस इस तरीके से। 2-2-3-3 मिनट के बाद आकर इसको करेंगे हम, मैं कर रही हूँ बल्कि, और इस तरीके से बस स्पैचुला हल्के से चला दूंगी, ताकि नीचे जो है कुछ मलाई वगैरह लग ना जाए, दूध लग ना जाए। इस तरीके से इसको करना है, और अभी इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। बस इसी तरीके से ही, यही इसका एक प्रोसीजर है करने का, और बस इस तरीके से मैं करती जाऊंगी। और 15 मिनट के बाद दोबारा दिखाऊंगी कि ये दोबारा 15 मिनट के बाद ये कितना हो जाएगा। और बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर मैं इसको कर रही हूँ। ये देखें, ये तकरीबन जब मैंने आपको अभी दिखाया था, तो उसके बाद ये तकरीबन पूरे 25 मिनट और इसको मैंने इसी तरीके से पकाया है। ये देखें बिल्कुल ये हाफ से भी कम हो चुका है, और हमें इसका बस एक हिस्सा रखना है, यानी कि 3 हिस्से जो दूध के हैं वो हमने रिड्यूस करने हैं, और 1/3 जो हिस्सा होगा
उसको रखेंगे। ये ऑलमोस्ट हो गया है, ये देखें कितने अच्छे से इसके लच्छे आ रहे हैं, ये देखें। और बस ये जो बीच में दूध है इसको मैं थोड़ा सा और चलाऊंगी, ये तकरीबन 10-15 मिनट अभी और लगेंगे और ये जितना मुझे दूध इसका चाहिए ये उतना हो जाएगा। ये देखें कितने अच्छे से पूरे चारों तरफ जो है, ये देखें आपको घुमा के दिखाती हूँ, ये देखें, ये देखें कितने अच्छे से इसके माशाल्लाह लच्छे बन गए हैं हमारी रबड़ी के। और बस अगर आप चाहें तो इसके अंदर बादाम पिस्ते कुछ भी डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, लेकिन जो बाज़ार की होती है उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डालूंगी। और बस इसको इस तरीके से करते करते साइड पर, और बस ये बीच में चलाऊंगी और आपको दिखाती हूँ 10 मिनट के बाद। ये देखें ये 5 मिनट में ही हो गया है, 10-15 मिनट की भी इसको ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये देखें, ये देखें, बस अब इसको क्या करना है, अभी तक इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला है, ये सिर्फ दूध ही पक रहा है। और अब इस दूध के अंदर मैं डालूंगी ये चीनी, जो 3 टेबल स्पून मैंने आपको दिखाई थी, ये मैं डाल दूंगी। चीनी थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन रबड़ी के अंदर चीनी ज़रा तेज़ ही मीठी होती है। और ये सिर्फ इतने सारे दूध के अंदर 3 टेबल स्पून डालिए। अब थोड़ा सा मैं चूल्हा तेज़ करूँगी और ये चीनी को इस तरीके से इस दूध के साथ मिक्स करूँगी। ये देखें इसके अंदर चीनी जो है वो पूरी मेल्ट हो चुकी है और अच्छी तरीके से इसका पानी जो दूध के अंदर होता है या दूध जो होता है वो पूरा रिड्यूस हो चुका है। अब जो है इस स्टेज पर ये जो मलाई है, अब मैं इसको इस तरीके से खुरच खुरच के इस दूध में डालूंगी। ये देखें इस तरह से, देखें इसके लच्छे, देखें देखें कितने बड़े बड़े इसके लच्छे हैं, ये गर्म है अभी। इस तरीके से मैं इसको इस तरह से इसके अंदर मिक्स करती रहूँगी। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और ये अब ज़रा ठंडी होगी तो फिर ये बिल्कुल सेट हो जाएगा इसका कलर, और इसके जो लच्छे हैं वो भी मीठे हो जाएंगे क्योंकि उसमें तो बिल्कुल भी चीनी नहीं है, सिर्फ दूध की मिठास होगी। ये देखें, तरीके से तोड़ तोड़ के, ये देखें। और ये जो रह गई इसको भी मैं निकाल लूंगी, कुछ भी छोड़ूंगी नहीं इसके अंदर। और इसको ठंडा करने के बाद इसकी जो बिल्कुल ओरिजिनल जो शक्ल होती है बाजार वाली रबड़ी की, वो मैं आपको दिखाऊंगी ठंडा होने के बाद। बस थोड़ा सा ही ठंडा करेंगे, बिल्कुल ठंडा नहीं करूंगी, और आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। ये देखें मेरी रबड़ी तैयार हो गई है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये रबड़ी। और इसके मैं आपको लच्छे दिखाऊंगी उठाकर, ये देखें इसके लच्छे, ये देखें कितने बड़े बड़े इसके लच्छे हैं। और ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग बाहर रहते हैं और ये ज़रा मुश्किल से मिलती है रबड़ी वहाँ, तो बाहर आप जब रहते हो तो ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। और थोड़े से मैं इसमें चले गार्निशिंग के लिए सिर्फ डाल देती हूँ पिस्ते, ये देखें इस तरीके से। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह एक और सिंपल रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।